दिल्ली के दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद के नए बस अड्डे के बीच आज मेट्रो का पहला ट्रायल हुआ है। टुडे 24 न्यूज की टीम भी इस दौरान मेट्रो के भीतर मौजूद रही। इससे पहले मेट्रो की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने मेट्रो स्टेशन पर ब्रीफिंग भी की। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए 1750 करोड़ रुपए की लागत आई। इस पर 8 मेट्रो स्टेशन होंगे। 9 किलोमीटर से लंबा ये पूरा रूट है जो रेड लाइट के नाम से जाना जाएगा। रोड से कनेक्टेड 2002 में खुला था, अब ये सेक्शन जो रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो दिलशाद गार्डन, शाहदरा दिलशाद गार्डन जो फर्दर आ रहा है यहाँ पे, अब ये कनेक्ट होने वाला है 2019 में। इससे यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी ट्रैफिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। कोई इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछिए। आई वुड नॉट से वी आर लेट। देखिए, एलिवेटेड सेक्शन हमारे बनाने में 4 साल के आसपास तो लग ही जाता है हमारा, 4-4.5 साल कोई भी सेक्शन दिल्ली मेट्रो का बनाने के लिए, तो आई वुड से वी आर लेट। इनफैक्ट अगर आप देखें हमारा जो पहला लाइन शाहदरा से 30,000, वो हमें लगा था 4 साल उसको, 98 में हमने स्टार्ट किया था, 2002 दिसंबर में स्टार्ट हमारे तरफ से हमने इनवाइट किया था कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी के इंस्पेक्शन के लिए, उनका इंस्पेक्शन हो गया है, अब तो ये लाइन रेडी है। ओपनिंग डेट आपको GDA से चेक करना पड़ेगा, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। तीन स्टेशन के नाम चेंज होंगे, शहीद नगर, राजेंद्र नगर और नया बस अड्डा। स्टेशन के नाम का जो राइट है और प्रेरोगेटिव है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो ये गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी उनको डिसाइड करना है।